हाँ, इस सेशन में डिस्कस करेंगे थर्ड सेशन एज कॉल्ड एज और थर्ड सब प्रोसेस ऑफ जेवीएम कॉल्ड एज जेआईटी कंपाइलर और सिंपल वर्ड में बात करें जावा इंटरप्रेटर। जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावा कंपाइलर के साथ साथ आपको प्रोवाइड किया करता है जावा इंटरप्रेटर। कंपाइलर के रिस्पेक्ट में बात करें जावा कंपाइलर का वर्किंग क्या था, सिंपली कंपाइलर सिंपली ट्रांसलेटिंग जावा सोर्स कोड इंटू इक्वेलेंट बाइट कोड फॉर्मेट मीन्स बाइट कोड क्या रहता है, इसका वर्किंग क्या है, इसको स्पेशली जावा में इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों है, जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स अबाउट बाइट कोड। नेक्स्ट वन, बाइट कोड क्रिएट होने के बाद मीन्स फाइनली जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अभी आपके पास अवेलेबल फॉर्मेट क्या है, बाइट कोड। अगेन फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसलेटिंग दिस बाइट कोड इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। तो इस बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए स्पेशली यूज होगा जावा का थर्ड टूल कॉल्ड एज जावा इंटरप्रेटर। जावा इंटरप्रेटर का वर्किंग क्या रहेगा, सिंपली बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। देन ए जनरेटेड मशीन कोड अगेन आसान किसको हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम सेम कोड आसान किसको रहेगा, हार्डवेयर और प्रोसेसर्स। क्लियर, दिस इज द वर्किंग ऑफ जे आई टी कंपाइलर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर। मीन्स अगेन जावा इंटरप्रेटर का एग्जैक्टली सिंपल वर्क क्या है, जावा बाइट कोड को सिंपली मशीन कोड में या करेंट प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स अबाउट बाइट कोड। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ बाइट कोड।